ଘନେଇଲା ଲଘୁଚାପ, ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 21 ତାରିଖ ଯାଏ ଛେଚିବ, 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଶଙ୍କା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 5.8 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଫଳରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। काल जो हमारा साइक्लिक सर्कुलेशन नॉर्थ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पर था, उसका प्रभाव में आज सुबह नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर व लघुचाप फॉर्मेशन हुआ है। इसका नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर वेलमार्क होने का चांसेस है और मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट वार्ड रहेगा। इसका प्रभाव में अगला 3 दिन में हमारा उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है। वर्षा प्रभाव में तलिया अंचल रे पानी जमीबा सह पहाड़िया अंचल रे भूस्खलन रो संभावना रहिची। 14 जिला को प्रबल वर्षा संभावना। गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी, खोर्धा, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर एवं बरगढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी होईची। आसंता काली पाई आभ्यंतरीण एवं पश्चिम ओडिशा रे प्रभाव देखिया पाई मिलिबो। आसंता काली 20 तारीख रे ओडिशा उपकूल एवं तार आखपछ पाख अंचल उत्तर पश्चिम पश्चिम पार्श्वर्ती जो रहूची पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर मध्य जीवा पाई बारण करा जाय। ता छडा जे देखिबा हमर 1 जून रु आज जोटा की रहूची हमर 19 अगस्त मध्य रे राज्य रे 118.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाय छी, जहां स्वाभाविक वर्षा 1084.2 मिलीमीटर तुलना रे पाखापाखी 3% अधिक रही। ये जो समय परिधि रही है भद्रक जिले में केवल निहटिया वर्षा रेकर्ड कर 20% निहटिया रही। ढेंकानाल, कंधमाल, बौद्ध, गजपति और कोरापुट ये 5 जिले में स्वाभाविक ठार् अधिक वर्षा अर्थात 20-69% पर्यंत अधिक वर्षा रेकर्ड कर 21 पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रहिबो। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।